तो परसों ही प्रेम गीत 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिस पर सबका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और प्रेम गीत 3 की टीम भी अपनी पूरी ताकत लगाकर इस फिल्म का प्रमोशन कर रही है। अब ऐसे में प्रदीप खड़का के कई फैंस के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या प्रेम गीत 3 की टीम कपिल शर्मा शो पर भी जाएगी। नहीं। तो प्रेम गीत 3 वर्ल्ड वाइड रिलीज की जा रही है, मगर इंडिया में इसका कुछ ज्यादा ही प्रमोशन किया जा रहा है। इसका एक कारण भी है, दोनों देशों की नजदीकियां और प्यार भरे रिश्ते, जिसके कारण प्रेम गीत 3 के मेकर्स इंडियन ऑडियंस से ज्यादा ही उम्मीद लगा रहे हैं, और ये बिल्कुल सही भी है। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रेम गीत 3 की कुछ खास बातें पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है, जैसे कि इसकी लोकेशन। आजकल हर फिल्म इंडस्ट्री अपनी फिल्मों में बहुत ज्यादा तौर पर VFX और CGI तकनीक का इस्तेमाल करती है। यहाँ तक कि हॉलीवुड की फिल्मों में तो 90% तक फिल्मों में VFX और CGI इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में हमें नेचुरल और रियल लोकेशन के मजे बहुत ही कम मिलते हैं, और इसी वजह से प्रेम गीत 3 और खास बन जाती है, क्योंकि प्रेम गीत 3 में 90% तक नेचुरल लोकेशन का इस्तेमाल करने का दावा किया जा रहा है, और इसीलिए इस फिल्म को देखने में ऑडियंस को और मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसा कि हमने कहा था कि अगर फिल्म अच्छी हो तो कम स्क्रीन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो प्रॉब्लम भी अब कम हो गई है, क्योंकि खबरों के मुताबिक इसे इंडिया में 500 स्क्रीन मिली है, जो किसी भी फिल्म के शुरुआत के लिए अच्छी है। और अगर आगे ये फिल्म हिट रही तो हो सकता है इसके स्क्रीन को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि फिल्म जैसे जैसे हिट होने लगती है इसकी वैल्यू बढ़ने लगती है और फिर इसके शोज भी बढ़ाने पड़ते हैं। तो अब ये सवाल जो तुम्हारे मन के भीतर उछल रहा है कि क्या प्रेम गीत 3 की टीम प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो पर आएगी, आइए इसे भी जान लेते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रेम गीत 3 के मेकर्स इंडिया में इस फिल्म के प्रमोशन में अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। कई इंडियन सेलिब्रिटीज जैसे गोविंदा सर भी इसका प्रमोशन कर रहे हैं, और फिल्म को भी अब ज्यादा दिन तो रहे हैं नहीं, तो इसके चांसेस काफी हाई है कि प्रेम गीत 3 की कास्ट कपिल शर्मा शो पर जाएगी, क्योंकि कपिल शर्मा शो एक बहुत ज्यादा पॉपुलर शो है जिसे सारा इंडिया देखता है। इसी वजह से इंडिया की हर इंडस्ट्री से फिल्में यहाँ प्रमोशन के लिए आती है, और अभी इसका नया सीजन भी फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो जल्द ही हमें प्रेम गीत 3 के साथ दिखे। हालांकि अभी ऐसी कोई कंफर्म न्यूज तो निकल कर नहीं आ रही है, पर पर्सनली मुझे इस शो पर प्रदीप खड़का और क्रिस्टीना गुरुंग को देखना है, क्योंकि कपिल शर्मा के जरिए हमें इन दोनों के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। वैसे आप इस शो में इन दोनों को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो।